राजा के मुख्य द्वार पर एक लोहे के पिंजड़े में एक बड़ा बाघ कैद था। यदि कोई व्यक्ति उसके सामने से गुजरता था तो वो उनसे हाथ जोड़कर ये कहता था, भाई साहब, पिंजड़े का दरवाजा खोल दीजिए ना। मैं पिंजड़ा खोलूं और तुम बाहर आकर मुझे आराम से खा सको। एक दिन राजा के महल में बहुत बड़े उत्सव का आयोजन हुआ और ढेर सारे मेहमान उपस्थित थे। उन्हीं लोगों में से एक सीधे साधे ब्राह्मण थे और उस ब्राह्मण को देखकर बाघ ने उनको नमस्कार किया। वाह, बाघ तो बहुत संस्कारिक है, तुम क्या चाहते हो? यदि आप कृपया कर यह पिंजड़ा खोल दें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। धैर्य रखो, खोल देता हूँ। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारा सहायता किया और तुम ये क्या कह रहे हो, तुम मुझे खा जाओगे? ऐसे काम कोई करता है भला? क्यों नहीं करते, हर कोई ऐसे ही करते हैं। नहीं नहीं, कभी नहीं। चलो फिर तीनों गवाहों से पूछते हैं, वो लोग क्या कहते हैं। अच्छा, तो फिर चलिए, अगर ऐसी बात है, यदि तीनों गवाहों ने आपके पक्ष में सही उत्तर दिए तो मैं आपको छोड़ दूंगा। यदि वो गवाह मेरे पक्ष में सही उत्तर देते हैं तो मैं आपको खा जाऊंगा। मेरा पहला गवाह है यह बरगद का पेड़। अच्छा, तो उनसे पूछिए तो वो क्या कहते हैं। हे बरगद जी, आप तो बहुत बुजुर्ग हैं और बुद्धिजीवी हैं, आप ही बताएं, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मदद करते हैं तो उनके साथ दूसरे व्यक्ति क्या गलत करते हैं? सही बात है, यही जमाना आ गया है, जो लोग मेरे ही पेड़ की छांव तले बैठते हैं वे लोग ही मुझे खोदते हैं, मुझे काटते हैं, मेरे ही पेड़ के पत्ते तोड़ते हैं। जो भलाई करते हैं उन्हीं को ज़्यादा तकलीफ देते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है बताओ? और मैं क्या देखा, वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अभी भी मेरे दो गवाह बाकी हैं। वो देखो, वो जा रहा है मेरा गवाह लोमड़ी। लोमड़ी महाराज ठहरिए। गवाह? कैसा गवाह? जो लोग भलाई करते हैं उसका क्या बुरा होता है? किसकी भलाई, जब तक मैं नहीं सुनूंगा नहीं बता पाऊंगा। बाघ पिंजड़े के अंदर था और मैं उसी रास्ते से जा रहा था। यह बहुत कठिन समस्या है, वह पिंजड़ा और वह रास्ता जब तक मैं नहीं देखूंगा नहीं बता पाऊंगा। सभी लोग पिंजड़े के पास चले आए। पिंजड़ा और रास्ता मैं समझ गया हूँ, पर क्या हुआ था ये तो बताओ। बाघ पिंजड़े के अंदर था और मैं रास्ते से गुजर रहा था। ठहरिए ठहरिए, इतनी जल्दीबाजी मत कीजिए, पहले जितना बताएं उतना मैं समझ लूं। अब क्या बोल रहे थे, बाघ आपका था और रास्ता पिंजड़े के अंदर था, यही ना? ए पागल, बाघ पिंजड़े के अंदर था और ये उस रास्ते से जा रहे थे। अब समझा, तुम रास्ते से जा रहे थे और ये पिंजड़े के अंदर थे। अरे नहीं नहीं, मैं पिंजड़े के अंदर था और ये रास्ते से बाहर जा रहे थे। अरे ये तो बहुत ही गोलमाल वाली बात हो रही है, पिंजड़ा रास्ते से जा रहा था या फिर बाघ इनके अंदर थे? अरे इतना बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा, बाघ पिंजड़े के अंदर था और ये रास्ते से जा रहे थे। ये बहुत ही गोलमाल वाली बात है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं नहीं, समझना तो तुम्हें पड़ेगा ही। ये देखो, मैं पिंजड़े के अंदर ऐसे था। देखो अब तो समझ पा रहे हो लोमड़ी महाराज? अरे मुझे खोल दो, मुझे खोल दो, मुझे खोल दो। अब ये पिंजरा कभी नहीं खुलेगा। पंडित जी, अब मैं सब समझ गया, बुरे लोगों का कभी भी भलाई नहीं करनी चाहिए। अब आप राजा के उत्सव में जाकर शामिल हो, क्योंकि अभी भी उत्सव समाप्त नहीं हुआ। यही बात कहकर लोमड़ी जंगल की ओर चल पड़े और पंडित राजा के उत्सव में शामिल हो गए।